दोस्तों, आपने जब जब जंतर मंतर का नाम सुना होगा, तब तब आपके जहन में सिर्फ धरने और आंदोलन ही आए होंगे, जबकि यह जंतर मंतर सबसे विशाल एवं अप्रतिम वैधशाला है और यह जयपुर का जंतर मंतर वैश्विक धरोहरों की सूची में भी शामिल है। दोस्तों, यह नाम जंतर मंतर संस्कृत के शब्द जंत्र तंत्र से लिया गया है, जिसका मतलब है उपकरण और गणना, जिसके अनुसार जंतर मंतर का अर्थ हुआ गणना करने वाला उपकरण। हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग मॉर्निंग बज विद द मोटिव ऑफ द चैनल लर्न टुगेदर ग्रो टुगेदर। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं जंतर मंतर से जुड़े सभी रोचक तथ्य। मध्यकाल में बनी इस आश्चर्यजनक खगोलीय वैधशाला का निर्माण मुख्य रूप से समय मापने एवं ग्रहों, तारों आदि की स्थिति जानने और अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए किया गया था। इसके अलावा इस खगोलीय वैधशाला का इस्तेमाल निरीक्षण करने और सूर्य के चारों ओर कक्षाओं का अध्ययन करने के लिए भी किया गया था। आपको बता दें कि इस खगोलीय वैधशाला की कुछ रचनाएं पत्थर, संगमरमर और तांबे से भी बनाई गई हैं। जयपुर के सिटी पैलेस के पास स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के संस्थापक खगोल शास्त्री महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा 1724 से 1734 ईस्वी के बीच में करवाया गया था। उन्होंने इस विशाल वैधशाला के निर्माण से पहले विश्व के अलग अलग देशों में अपने खगोल शास्त्र की जानकारी रखने वाले दूतों को भेजकर वहां से खगोल विज्ञान के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण ग्रंथों की पांडुलिपियां एकत्र की थी और अध्ययन के लिए सभी को अपने संग्रहालय में संरक्षित किया गया था। उस दौरान प्रसिद्ध एवं प्रख्यात खगोल शास्त्रियों की मदद से महाराजा सवाई जयसिंह ने भारत के जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा में बनी प्रमुख 5 वैधशालाओं का निर्माण हिंदू खगोल शास्त्र के आधार पर करवाया था। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह ने उज्जैन की वैधशाला में सम्राट यंत्र का निर्माण करवाया था। उसके बाद उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित जंतर मंतर वैधशाला और फिर उसके बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी पिंक सिटी जयपुर की वैधशाला का निर्माण कराया था। इस वैधशाला का समय समय पर पुनर्निर्माण भी किया जा चुका है। इस विशाल वैधशाला में कई महत्वपूर्ण खगोल यंत्र भी शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि सटीक भविष्यवाणी करने के लिए दुनिया भर में मशहूर जयपुर की यह विशाल वैधशाला मुगल काल के खगोलीय कौशल और ब्रह्मांड संबंधी अवधारणाओं की अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट नमूना है। जयपुर में स्थित देश की सबसे विशाल वैधशाला करीब 18,700 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ पर रखे खगोलीय उपकरण भारत के खगोलीय ज्ञान और समृद्धता को दर्शाते हैं। इस भव्य खगोलीय वैधशाला का निर्माण में बेहद अच्छी गुणवत्ता वाले संगमरमर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि यह पत्थर धातु की तुलना में बेहतर तरीके से मौसम की स्थिति का पता लगाने में सक्षम होते हैं। देश के 5 प्रमुख वैधशालाओं में से एक जयपुर की जंतर मंतर वैधशाला अपनी अद्भुत संरचना, ऐतिहासिक खगोलीय महत्व की वजह से वैश्विक धरोहरों की सूची में शामिल की गई है, जो कि अपने आप में अद्वितीय है। समय, मौसम एवं अंतरिक्ष संबंधी सही भविष्यवाणी करने के लिए दुनिया भर में मशहूर जयपुर की यह विशाल वैधशाला जंतर मंतर कई अलग अलग खगोलीय उपकरणों का एक उत्तम संग्रह है। यहाँ 14 विशेष खगोलीय यंत्र रखे गए हैं, जो कि तारे एवं गति की स्थिति जानने, समय मापने, मौसम की स्थिति जानने, आकाशीय ऊंचाई का पता लगाने एवं ग्रहण की भविष्यवाणी करने समेत सौरमंडल की तमाम गतिविधियों की जानकारी हासिल करने में मदद करते हैं। यहाँ पर रखा राम यंत्र उस समय आकाशीय ऊंचाई मापने का प्रमुख यंत्र हुआ करता था। इसके अलावा इस वैधशाला में रखे स्थानीय पत्थर और संगमरमर से निर्मित सम्राट यंत्र स्थानीय समय को 2 सेकंड की सटीकता पर माप सकता है। यहाँ पर रखे
खगोलीय उपकरणों में जय प्रकाश यंत्र भी शामिल है, जिसका इस्तेमाल स्वर्गीय स्मारकों की स्थिति को खोजने के लिए भी किया जाता है। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं जंतर मंतर में रखे उन 14 यंत्रों के नाम। राम यंत्र, उन्नताश यंत्र, दिशा यंत्र, नाड़ी विलय यंत्र, सम्राट यंत्र, जय प्रकाश यंत्र, लघु सम्राट यंत्र, पाशांश यंत्र, शशि विवलय यंत्र, चक्र यंत्र, दिगंश यंत्र, ध्रुप विदर्शक पट्टिका यंत्र, दलिनोदक यंत्र, जय प्रकाश यंत्र। दोस्तों, इन यंत्रों की खास बात यह है कि हजारों सालों बाद भी आज भी यह उपकरण उसी सटीक तरीके से काम कर रहे हैं। पर्यवेक्षक आज भी गणना के लिए इस यंत्र का इस्तेमाल बारिश का पूर्वानुमान लगाने समेत मौसम संबंधी जानकारियां हासिल करने के लिए आज भी किया जाता है। इन खगोलीय उपकरणों के सही तरीके से काम करने एवं ऐतिहासिक महत्वता की वजह से ही यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित भारत की 5 सबसे विशाल वैधशालाओं में से एक जयपुर की जंतर मंतर वैधशाला में विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की घड़ी रखी गई है, जो वृहद सम्राट यंत्र के नाम से भी जानी जाती है। इस उपकरण की सबसे खास बात यह है कि यह ऐतिहासिक खगोलीय उपकरण समय की सटीकता को दर्शाता है। यह उपकरण 2 सेकंड की सटीकता पर स्थानीय समय को प्रदर्शित करता है। इस खगोलीय उपकरण को इस तरह बनाया गया है कि इसकी रचना करीब 27 मीटर ऊंची है। भारत की सबसे बड़ी इस खगोलीय वैधशाला की जयपुर से दूरी करीब 5 किलोमीटर है। यहाँ सड़क, वायु और रेल तीनों परिवहन के माध्यमों से आसानी से पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग से यात्रा कर आने वाले यात्री जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे पर उतरकर टैक्सी या फिर कैब की मदद से यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि एयरपोर्ट से यह महज 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि ट्रेन से सफर करने वाले यात्री जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरकर यहां कैब या टैक्सी की मदद से आसानी से पहुंच सकते हैं। देश के सभी प्रमुख शहरों के रेलवे मार्गों से जयपुर अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। जंतर मंतर में बनाया गया उन्नताश यंत्र आकाश में पिंड के उन्नताश और कोणीय ऊंचाई मापने के काम आता था। जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा 1 अगस्त 2010 में विश्व की ऐतिहासिक धरोहर सूची में शामिल किया गया था। जयपुर का ये स्मारक पुरातत्व स्थल और पुरा विशेष अधिनियम 1961 के तहत संरक्षित किया गया है। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी दी हुई जानकारी, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।